फेयरनेस एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर इंडिया में बहुत कुछ बेचा जाता है और ये कहीं ना कहीं मैटर भी करता है। भले ही हम बोल दें कि रंग रूप मैटर नहीं करता, बट आप देखते हो, हर रोज ये नोटिस करते हो कि हाँ, रंग मैटर करता है। इसीलिए जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो भी कभी कभी आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि यार थोड़ा सा ना स्मूथ करना चेहरे को या सुंदर करना, और अगर आपको वो नहीं आता तो आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका कोई क्लाइंट का कलर थोड़ा सा कम फेयर है और आप उसको सुंदर दिखा देते हो तो उसके बाद में वो क्लाइंट कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। जरूरी है ये स्किल सीखना, भले ही आप मानते हो कि फेयरनेस मैटर करती है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीमियर प्रो में ब्यूटी एनहांस करने के लिए, फेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें दो स्टेप्स में जाना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें एक प्री प्रोडक्शन का स्टेप जानना रहेगा। आप देखते हो कि बड़े बड़े शूट्स होते हैं, उनमें भी अच्छे लेवल का मेकअप होता है, घंटों तक मेकअप होता है एक्ट्रेस एंड एक्टर का, एंड उसके बाद में पोस्ट में एडिट होता है। जबकि उनके पास इतने बेहतरीन एडिटर्स हैं, इतनी बेहतरीन लाइटिंग होती है, तो फिर वो क्यों मेकअप करते हैं? बिना मेकअप के भी तो शूट कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि आप पोस्ट में चीजों को सिर्फ एनहांस कर सकते हो, एकदम बदल नहीं सकते, बना नहीं सकते नया। अगर कोई चेहरा एकदम ही डल लग रहा है, ऑयली लग रहा है, फिर गंदा लग रहा है, मुंह धोया हुआ ही नहीं है, तो आप उसको बहुत ज्यादा सुंदर नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे तो वो नकली लगेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले प्री प्रोडक्शन में थोड़ा मेकअप कर लो। अगर आपके पास मेकअप नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल फाउंडेशन या क्रीम लगा सकते हो। शुरुआती दौर में कुछ मेरे जो क्लाइंट्स है वो यूज में लेते थे, वो प्रोडक्ट्स मैं लिस्ट कर दूंगा, मुझे उनके रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, जो सस्ते भी हैं और शुरुआती दौर के लिए ठीक है। बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हो तो आप अच्छे लेवल का मेकअप कराओ, उसी के बाद इन स्टेप्स को अप्लाई करो। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। प्रीमियर प्रो, प्रीमियर प्रो में आपको बेसिक कलर ग्रेडिंग जो भी आपको करनी है उसको करने के बाद आपको जाना है HSL में। HSL में जाके आपको चेहरे को मास्क कर लेना है प्रॉपर तरीके से, आराम से, शांति से। मास्क करने के बाद में आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है। यहाँ से जब आप ब्राइटनेस ज्यादा इंक्रीज कर देते हो तो वो फेक लगता है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा ना करके एक मीडियम लेवल पे रुकना चाहिए। इसके बाद में भी वो फेयरनेस फेक लगती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इंडियंस का कलर है वो ब्राउन कलर होता है, ना कि व्हाइट। तो आप उसको ब्राउन कैसे करोगे? पहले आपको ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है, एंड देन आपको थोड़ा सा वार्म टोन की तरफ जाना है। जैसे आप वार्म टोन की तरफ जाओगे तो वो कलर व्हाइट प्लस वार्म मिक्स होके एक इंडियन कलर जैसा दिखने लगेगा, तो जो नेचुरल भी लगेगा। उसके बाद में आप चाहो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो, शेडोज वगैरह आपको अगर मेंटेन करनी है तो। उसके बाद में सेकंड स्टेप में है फ्री प्लगइन, हम काम में लेंगे। प्लगइन का नाम है ब्यूटी बॉक्स, उसको डाउनलोड आप कर सकते हो। बाकी मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा अगर अवेलेबल हुई तो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इफेक्ट्स में ब्यूटी बॉक्स सर्च करना है और वो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, दैट्स इट, काम हो जाता है। बट इसके जो डिफॉल्ट है उससे थोड़ा सा स्मूथनेस ज्यादा हो जाता है, स्किन सॉफ्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर आप एक लड़की हो तो फिर ठीक है, बट आप अगर एक लड़के हो तो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगता है। तो इसलिए आप इसकी सेटिंग्स में जाके प्रॉपर तरीके से मास्क करके इस यहाँ पे भी आप स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, अपना जो सेचुरेशन है स्किन टोन वो बढ़ा सकते हो, और एंड में आप थोड़ा बहुत शार्पनेस वापस ऐड करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्मूथ ना लगे। अब पहले स्मूथनेस अप्लाई करके बाद में शार्पनेस अप्लाई करना फोटोशॉप में करते होंगे, और वो बहुत ही सही तरीका है। उससे आपके चेहरे की जो इम्प्योरिटीज है वो भी छुप जाती है और बाद में चेहरा शार्प भी दिखता है। तो दैट्स इट, अब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। बहुत मेजर आपको डिफरेंस नहीं करना है क्योंकि वो फेक लगेगा। तो आटे में जितना नमक डलता है खूबसूरती उतनी ही इंक्रीज करें, ना कि बहुत ज़्यादा आप उसको एम्फेसाइज कर दें। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैसेज कर देना। कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना, मैं वहाँ पे आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।